7 अक्टूबर 2023, ये वो दिन था जब इसराइल में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमास आतंकियों के इस हमले में कुछ ही घंटों में 1200 से ज़्यादा इसराइली मारे गए, जबकि 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। 7 अक्टूबर को उठी जंग की चिंगारी आज भी धधक रही है और पूरे मिडिल ईस्ट को ये दहला रही है। अक्टूबर 2023, ये वो दिन था जब इजराइल की धरती पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। उस दिन हमास के हजारों लड़ाके गाजा से इजराइल में घुस आए और उन्होंने इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमास के इस हमले से इजराइल दहल गया। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जो भी रास्ते में आया उसे गोलियों से भून दिया। इजराइल को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। सुरक्षा बल जब तक संभलते तब तक हमास आतंकी कत्लेआम कर चुके थे। आतंकियों ने इजराइल को कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया था। मजहबी नारे लगाते हुए हमास के आतंकी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। टैंक पर खड़े होकर जश्न मना रहे थे। हमास के आतंकियों ने सबसे पहले दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े शहर अश्कलोन को निशाना बनाया। ये शहर गाजा पट्टी से महज 30 से 35 किलोमीटर दूर है। इस शहर से ही गाजा पट्टी की सीमा लगी हुई है। हमास के आतंकी मोटर लगे पैराशूट में सवार होकर इस शहर के नजदीक ही उतरे थे। उस वक्त शहर में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। लोग मस्ती के मूड में थे, खुशी से नाच गा रहे थे। करीब 4000 लोग रीम इलाके में मौजूद थे। इन लोगों को जरा सा भी आभास नहीं था कि हमला होने वाला है। अगले ही पल माहौल बदल गया। रॉकेट की बारिश होने लगी। अचानक हुए इस हमले से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हमास आतंकियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग जान बचाकर गाड़ियों तक पहुंचने में भी कामयाब रहे, लेकिन हमास आतंकियों ने गाड़ियों को भी रॉकेट से उड़ा दिया। हमास आतंकियों ने आसपास खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को तबाह कर दिया। उस दिन हमास के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग और रॉकेट से हमले करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस इलाके में हमास आतंकियों की बर्बरता की तस्वीरें न्यूज नेशन के कैमरे में भी कैद हुई थी। गाजा पट्टी से लगे इजरायली इलाके में जो नजारा दिखा वो डराने वाला था। इस कत्लेआम के बाद अश्कलोन शहर में डर का माहौल फैल गया। आतंकी हमले से डरे सहमे लोगों ने शहर से पलायन करना शुरू कर दिया। हमास के आतंकियों ने अश्कलोन के अलावा इसराइल के कुछ और शहरों को भी निशाना बनाया। हमास के इस हमले में 1205 लोगों की मौत हो गई। 251 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए। बंधक बनाए गए 117 लोग आजाद कर दिए गए, जबकि 70 की मौत हो गई। एक साल बीत गए हैं, फिर भी 64 लोग अब भी बंधक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन हमास ने पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। सबसे पहले सुबह करीब 6:30 बजे मिसाइल यूनिट के जरिए इसराइल पर 3000 रॉकेट दागे गए। इतने बड़े हमले से इसराइल के लोग सकते में आ गए। फिर एयरबॉर्न यूनिट के जरिए पैराग्लाइडर से आतंकी इसराइल में घुसे। इसके बाद कमांडो यूनिट ने जमीन पर बाड़ काटी और गाजा पट्टी से आतंकी इसराइल में दाखिल हुए। इस दौरान हमास की ड्रोन यूनिट हमला करने और सूचना जुटाने में जुटी रही। इसराइल का अनुमान है कि उस दिन हमास के करीब 1000 लड़ाकों ने घुसपैठ की थी। हालांकि कुछ देर में इजरायली सुरक्षा बलों ने हालात पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन तब तक हमास के आतंकी इसराइल पर सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब हो चुके थे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर।
खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।